अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द जजमेंट बाय फ्रांस काफ्का। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम फ्रांस काफ्का का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कैसा राइटर है। बेसिकली ये कल्चरली इन्फ्लुएंशियल जर्मन लैंग्वेज नॉवलिस्ट है, क्योंकि ये जच में रहता है लेकिन फिर भी इसकी जो लैंग्वेज है वो जर्मन है। ये जर्मनी से ही बिलोंग करता है, ये एक ज्यू है, ठीक है, ज्यू मीन एक यहूदी। और क्रिटिक्स का और स्कॉलर्स का कहना है ये वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी। इसकी जो राइटिंग है उसके अंदर हम लोगों को ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी नज़र आते हैं। इसने सबसे पहले एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई, उस टेक्निक का नाम है काफकैसिक टेक्निक। ये काफकैसिक टेक्निक जो है लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक क्या होती है, इस टेक्निक के अंदर ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन और सेटिंग करैक्टराइज कर दी जाती है, क्रिएट कर दी जाती है, जिसके अंदर स्पिरिचुअल एंजाइटी, आइसोलेशन, सरियल डिस्टोर्शन और सेंसलेसनेस होती है। ठीक है, सरियल कहते हैं ड्रीम लाइक रियलिटी को। तो ऐसी सिचुएशन और सेटिंग जिसके अंदर स्पिरिचुअल एंजाइटी, आइसोलेशन, सरियल डिस्टोर्शन और सेंसलेसनेस हो, उस चीज़ को हम लोग काफकैसिक टेक्निक कहते हैं। ये क्वेश्चन PPSC में बड़ा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ काफकैसिक टेक्निक। तो आपको पता होना चाहिए काफकैसिक टेक्निक वो टेक्निक होती है राइटिंग के अंदर जिसके अंदर सिचुएशन और सेटिंग ऐसी करैक्टराइज कर दी जाती है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एंजाइटी, आइसोलेशन, सरियल डिस्टोर्शन और सेंसलेसनेस हो। ठीक है, इसकी राइटिंग के अंदर जो थीम्स हम देखते हैं ना, वो बेसिकली एलिनेशन का होता है, आइसोलेशन का होता है, एलिनेशन तनहा, आइसोलेशन अकेला, एग्जिस्टेंशियलिज्म का होता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म उसे कहते हैं इसके अंदर ना एग्जिस्टेंस मैटर करती है ना ही जिंदगी गुजारने के वेज मैटर करते हैं। मार्क्सिज्म का थीम आ जाता है इसकी राइटिंग के अंदर, इसके अंदर होता है बात हम करते हैं अपर एंड लोअर क्लास की। ठीक है, एमलेसनेस की बात आ जाती है, रूटलेसनेस, कोई सेंटर ही नहीं है और होपलेसनेस, यानी कि सारे पैसिमिस्टिक थीम जो है वो हमें इसकी राइटिंग में दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ा बहुत काफ्का की लाइफ के लेकर, तो इसकी लाइफ के अंदर एक ऐसी ट्रेजेडी है कि डबली एलियनेटेड है। क्यों? क्योंकि ये जर्मन बोलता है तो ही डिस्पाइस ज्यूज। दूसरी बात, इसके अपने ही घर के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, फादर सन रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक है, फादर जो है वो अपने बेटे को लाइक नहीं करता, हेटर टूवर्ड सन शो करता है हमेशा। तो यही जो चीज़ है, हम ये फैक्टर हम लोग काफ्का के राइटिंग के अंदर भी देखते हैं। काफ्का अपनी राइटिंग के अंदर जो बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस करता है वो फादर एंड सन को डिस्कस करता है। इसका मेटामॉर्फोसिस एक नोवेला है, शॉर्ट स्टोरीज को हम कह सकते हैं, काइंड ऑफ नोवेला ही है, नोवेल नहीं कह सकते हम उसको। उसके अंदर भी इसने अपने फादर एंड सन का रिलेशनशिप दिखाया है कि फादर किस तरह अपने सन से ब्रूटली ट्रीट करता है और सन किस तरह एक पैसिमिस्टिक लाइफ गुजार रहा है। और अगर काफ्का के फादर की बात करें तो बेसिकली काफ्का का फादर एक आर्मी में था, लेटर वो आर्मी से ही स्विच्ड इनटू द बिजनेस में चला गया, उसको बिजनेस का शौक़ था। और यही बिजनेस वाला एलिमेंट भी हम ना इस स्टोरी के अंदर भी देखने वाले हैं। मैं बात ये कर रही हूँ कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हम देखेंगे इसकी राइटिंग के अंदर, जो भी आप इसका नॉवल, इसका नोवेला, क्योंकि नॉवेल्स पे काम नहीं करता, नोवेलास पे करता है और शॉर्ट स्टोरी पे करता है, तो देखेंगे उसमें आपको इसके लाइफ हिस्ट्री के कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर नज़र आएंगे। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी के ऊपर द जजमेंट बाय फ्रांस काफ्का। इसके अंदर हमारे पास कुछ करैक्टर्स आते हैं, अब वो देख लें। फिर से बाप आ गया, फादर आ गया। अब जो करैक्टर है हमारे पास इसके अंदर एक, वो है जॉर्ज बेंजामिन का फर्स्ट करैक्टर। यही करैक्टर जो है ये सेंट्रल करैक्टर ऑफ द स्टोरी भी है और इम्पोर्टेंट करैक्टर भी है। ठीक हो गया, और इस करैक्टर को हम लोग रिलेट कर सकते हैं सम हाउ विद द काफ्का। सेकेंड करैक्टर हमारे पास है द फादर, और इस करैक्टर को हम सम हाउ कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं काफ्का के अपने फादर के साथ। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट करैक्टर आता है हमारे पास वो है द फ्रेंड। जो फ्रेंड है उसको बेसिकली एक लेटर लिख रहा होगा, और फ्रेंड रशिया में शिफ्ट हो चुका है ड्यू टू क्राइसिस इन जर्मनी, और जब वो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ जाके उसने अपना बिजनेस सेटल करने की कोशिश की है। और जो बेंजामिन है, जब स्टोरी ओपन होगी, स्टोरी के ओपनिंग पे इस बंदे को लेटर लिख रहा होगा। अच्छा, मैंने फादर की बात की थी तो फादर का नाम मैं बता दूं आपको, फादर का नाम हरमन काफ्का था, जो कि बेसिकली काफ्का का फादर था। इस स्टोरी के अंदर जो
जॉर्ज बंडेमैन का फादर है उसका नेम मेंशन नहीं किया हुआ। एक होती है औरत, एक लेडी है मिस फ्रोलिन। मिस फ्रोलिन जो लेडी है ना, इसका कपल दिखाया गया है जॉर्ज बंडेमैन के साथ, ठीक है, दे बोथ आर इंगेज्ड। और ये मिस फ्रोलिन ही चाहती है कि ना जो बंडेमैन है वो अपने स्टोरी, अपने जो दोस्त है उसको लेटर लिखे और लेटर लिख के एक्सप्लेन करे कि उसकी बेसिकली इंगेजमेंट हो चुकी हुई है मिस फ्रोलिन के साथ। यहाँ पे हमारे करेक्टर और थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन हो गया कवर। अब हम बात करते हैं समरी के ऊपर। समरी क्या है बेसिकली, अगर हम नॉवल को डिस्कस करें तो नॉवल जो है ना एक साइकोलॉजिकल नॉवल है जिसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल करेक्टर है जॉर्ज बंडेमैन का, ठीक है, वो बहुत ही ओबीडियंट है और बहुत ही सेंसिटिव नेचर का बंदा है और जितने भी लोग उससे ताल्लुक़ रखते हैं ना वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा हसास है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और इसके अंदर एक फ्लो है करेक्टर के अंदर, वो क्या है कि इसके अंदर ना विल नहीं है कि वो एक प्रॉपर ना फैसला ले सके, ठीक है, एक कुव्वत नहीं है इस चीज़ की। और लेकिन अगर वो कोई चीज़ की डिसीजन ले लेता है ना फिर वो सोचता है बार बार कि ये गलत फैसला है या दुरुस्त फैसला है, ठीक है, ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नॉवल है तो साइकोलॉजिकल नॉवल में थिंकिंग का, मेंटेलिटी का, ब्रेन का बहुत ज़्यादा लिंक्ड आता है, ठीक हो गया। अब जब मैंने आपको बताया तो इसके साथ साथ मैं एक और बात बताती चलूँ कि जो जॉर्ज है ना उसकी बेसिकली मदर की डेथ हो गई हुई है, ठीक है, और उसकी मदर की डेथ के बाद जो फादर सन रिलेशन है हम यहाँ पे वो भी देखेंगे। अब जब नॉवल स्टार्ट होता है, सॉरी शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है, तब ऐसा होता है कि जो जॉर्ज है ना वो बेसिकली अपने रूम में बैठा हुआ है अकेला, विंडो उसकी ओपन है और वो एक लेटर लिख रहा है टू एन अननेम्ड फ्रेंड जो कि रशिया में रहता है, ठीक है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब वो क्या करता है, वो लेटर लिख रहा है अपने दोस्त को जो कि रशिया में रहता है, लेकिन जो जॉर्ज है ना उसने अपने दोस्त को 3 साल से नहीं देखा और ना वो जितनी भी इसकी लाइफ के अंदर चेंजेस आई हैं इस 3 साल के अंदर ना अपने फ्रेंड से सब कुछ डिस्कस करना चाहता है और बताना चाहता है कि उसकी ना रिसेंटली इंगेज हो गई हुई है, रिसेंटली इंगेज हो गया है मिस फ्रोलिन से, और साथ ही साथ ये ना वेल टू डू फैमिली भी इसकी हो गई हुई है, मतलब वेल टू डू फैमिली उसकी है, सॉरी मिस फ्रोलिन की, बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है मिस फ्रोलिन, और ये भी इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है बिजनेसमैन के तौर पे, एक बिजनेस कर रहा है अपना, और ये सारी बातें ना अपने दोस्त को लिखना चाहता है, ये बताना चाहता है उसको। लेकिन फिर ये सोचता है कि अगर ये सारी बातें अपने दोस्त को बताएगा कहीं मेरा दोस्त परेशान ना हो जाए, पता है ना सेंसिटिव नेचर है इसकी, तो मेरा दोस्त कहीं परेशान ना हो जाए, क्योंकि अब वो जो इसका दोस्त है वो तो रशिया में सेटल हो रहा है ना, अभी थोड़ी सेटल हो गया हुआ है, तो कहता कि कहीं वो मेरा लेटर पढ़ के डिसअपॉइंट ना हो जाए और बाद में एनवी भी ना इससे हो जाए, इससे हसद ना करने लग पड़े, बजाय कि वो खुश हो उससे, क्योंकि मॉडर्न टाइम पीरियड में बहुत ही रेयर लोग आपकी कामयाबी से खुश होते हैं ना, तो वो भी उसी टाइम पीरियड में ही लिख रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली लेटर तो लिख रहा होता है लेकिन उसके बाद वो लिखना छोड़ देता है, स्टॉप कर देता है वहाँ पे, और ना वो अपना जो इशू है ना ये वाला, वो इशू लेकर ना किसके पास जाता है, अपने फादर के पास जाता है कंसल्ट करने के लिए। लेकिन जब वो कंसल्ट करने के लिए अपने फादर के पास जाता है ना, अब क्या होता है वहाँ पे जो रूम की लाइट जो है वो डिम है, और उस टाइम पे फादर जो है ना वो बहुत बीमार है, क्योंकि जब इंगेज हो गया है तो जो जॉर्ज है वो अपने फादर को टाइम नहीं दे पाया, और अपने फादर की सूरत हाल देख के उसको बड़ा गिल्ट भी होता है कि मेरे फादर इतना बीमार हो चुका हुआ है। अब अगर थोड़े से इसके फादर के बारे में बात की जाए तो इसका जो जॉर्ज का फादर है ना वो शक्की मिजाज और बदगुमान शख्स है, ठीक है, और अपने बेटे की खुशियों से भी जलता है और इस बात पर खुश नहीं होता कि जॉर्ज कारोबार के तमाम मामला को ना बखूबी सर अंजाम देता है। जॉर्ज ने कारोबार में भी ना लाइक बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा की थी और उसको ना बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी किया था कारोबार को, लेकिन उसका फादर इससे हैप्पी नहीं होता, क्लैश दिखाया गया ना सेम जैसा कि काफ्का की लाइफ में था। अच्छा, अब जब फादर बीमार है ना तो वो कहता है अपने पापा को कि फादर नेवर माइंड, वो ये बोलता है वहाँ पे, वो कहता है आगे से अपने फादर को, फादर आई विल गेट द डॉक्टर, वी विल चेंज योर रूम, आई विल मूव इन हेयर, आई विल पुट यू टू बेड, आई एम श्योर
आई विल हेल्प यू, यू विल सी आई कैन डू इट। ये लाइंस जो है ना, ये जॉर्ज बोलता है अपने फादर को देख के, और अपने फादर को ना वो अपने रूम में ले जाता है, उसको शिफ्ट कर देता है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है वो, और साथ में उसकी फियांसे दोनों मिलके इसके फादर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और उससे वो पूछते हैं कि फादर, अगर आप परमिशन दें तो जो जो मेरी सूरत हाल है, मेरी प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है, मैं इंगेज्ड हो गया हूँ, जो मैंने सक्सेस कमाई है अपनी लाइफ के अंदर, क्या मैं ये एक लेटर लिख के अपने दोस्त को बता दूँ जो कि रशिया में रहता है। तब फादर रिएक्ट करता है ऐसे कि उसको क्या पता तुम्हारा कौन सा दोस्त रशिया में रहता है, मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को जानता ही नहीं जो रशिया में रहता है। इस टाइम पीरियड पे जॉर्ज हैरान हो जाता है, और ये जो इसका रिएक्शन था, ये बेसिकली शो कर रहा है कि फादर इज़ बेसिकली मेंटली सिक। क्यों, आगे देखते हैं किस तरह वो सिक है। जब फादर थोड़ा सा रिकवर होता है ना, और उसके बाद जो होता है ना, उसका बेटा कहता है उसको, डू नॉट वरी, यू आर ऑल कवर्ड अप। ये कहता है ना उसको, क्या बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अब। तब क्या होता है, अचानक वो जंप मारता है, फादर अपने बेड से उतरता है और बेड से उतर के एक्सप्लेन करता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिसओबीडियंट बेटे हो, ठीक है, और तुमने अपने दोस्त को कुछ नहीं बताया, मैं तो तुम्हारे फ्रेंड को जानता भी हूँ और मेरी उससे बातचीत भी हो रही है, सीक्रेटली मैंने लेटर्स लिख रहा हूँ तुम्हारे दोस्त को, और काफ़ी देर से हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है आपस में, और तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी हुई है, मैं तुम्हारे दोस्त को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बड़े ही रूड वे में उससे बात करता है वो, और ना उससे फिर वो गुस्से में कहता है, सो नाउ यू नो वट एज एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ यू, बिफोर यू न्यू ओनली अबाउट योर सेल्फ, येस यू वर अ ट्रूली इनोसेंट चाइल्ड, बट यू वर इवन मोर ट्रूली एन इविल मैन, एंड फॉर दैट रीजन आई हेयर बाय सेंटेंस यू टू डेथ बाय ड्रॉनिंग। ये अब बाप कहते हैं अपने बेटे को कि तुम एक इमेच्योर चाइल्ड हो बेसिकली, ठीक है, और तुम एक इविल मैन भी हो, और मैं तुम्हें अब सजाए मौत सुनाता हूँ कि तुम डूब के मर जाओ। ये सेंटेंस, आई हेयर बाय सेंटेंस यू टू डेथ बाय ड्रॉनिंग, कि तुम डूब के मर जाओ। अब सजाए मौत सुना दी उसने। अब बेटा उसकी बात सुनता है फौरन से ही, और ब्रिज की तरफ जाता है, और जाकर बोलता है, डियर पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू ऑल द सेम। ये उसकी लास्ट लाइन होती है, और ये लास्ट लाइन बोलकर वो उस ब्रिज से दरिया के अंदर छलांग लगा देता है, और यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। थी ना थोड़ी सी पेनफुल स्टोरी। अच्छा, अब बात करते थीम की। जो थीम इसने डिस्कस किए हैं, डेथ का, आर्ट का, आइसोलेशन का, फर्टिलिटी का, पर्सनल फेलियर का, डिफ़िकल्टी का। डिफ़िकल्टी किसके दरमियान में है, सन एंड फादर रिलेशनशिप्स के। यहाँ पे हमारी ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।